एक दिन, सिर्फ एक दिन बचा है आपके इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम के लिए, एंड लास्ट के एक दिन के अंदर आपको किस तरह से प्रिपरेशन करना है, सिर्फ एक दिन के अंदर पूरे सिलेबस को कैसे कवर कर लेना है, एंड इंग्लिश के पेपर में 85 प्लस 90 प्लस तक कैसे स्कोर करना है, आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग, दिस आर सावन भैया, एंड आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ लास्ट वन डे स्ट्रेटेजी फॉर इंग्लिश बोर्ड एग्जाम, जिनका भी इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम 7 मार्च को होने वाला है। आप सभी लोगों के पास सिर्फ एक दिन बचा है, एंड लास्ट के एक दिन में आपको कैसे प्रिपेयर करना है वो सारी चीजें मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। बट उससे पहले गाइस, मैं आप सभी को एक छोटा सा रिमाइंडर दे दूं, आज शाम को 7:03 पे एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइव स्ट्रीम होने वाला है आप सभी लोगों के इंग्लिश के बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको हर एक चीज कैसे लिखनी है, कहाँ पे लाइन खींचनी है, हर एक चीज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सभी को जाकर रिमाइंडर ऑन कर लेना है, एंड जो भी चैनल में फर्स्ट टाइम आए, मुझे फर्स्ट टाइम देख रहा है, नीचे एक सब्सक्राइब बटन होगा उसे अभी कभी क्लिक कर लो, बिकॉज आपके बाकी के बोर्ड एग्जाम्स के लिए इसी टाइप के अमेजिंग वीडियो फ्यूचर में भी आने वाले हैं। एंड इस वीडियो पे पूरे 1000 लाइक्स का एम रखते हैं, अभी कभी लाइक का बटन दबा के मारो, एंड शेयर करो अपने हर क्लास 10th के फ्रेंड के साथ। एंड यार, अगर मैं आपको बताऊँ ना, मैंने खुद ने इंग्लिश के अंदर उतना भी ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने वाला एक्सपेक्ट किया था 80-85 तक मिल जाएंगे, बट मेरे को बोर्ड एग्जाम्स के अंदर 86 मिले थे। वैसे यार, आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपको बोर्ड एग्जाम्स के अंदर इंग्लिश के पेपर में कितने मार्क्स मिलने चाहिए, अभी कभी कमेंट करो आपके टारगेट मार्क्स, कि आपको इतने मार्क्स स्कोर करना है अपने इंग्लिश के पेपर के अंदर। तो देखो, चार चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर अच्छे मार्क्स लाने के लिए, इंग्लिश के अंदर 85 प्लस 90 प्लस तक स्कोर करने के लिए। सबसे पहली चीज, अंडरस्टैंडिंग पैराग्राफ्स। अगर आपको पैराग्राफ समझ में आते हैं, आपको पैराग्राफ्स में से आंसर ढूंढना आता है, तो आपका काफी ज्यादा टाइम भी सेव होने वाला है, एंड आप लोग अच्छे से पूरे के पूरे 20 मार्क्स, आपका जो पैराग्राफ वाला सेक्शन है वो 20 मार्क्स के लिए आता है, एंड ये 20 मार्क्स आपके हाथ के मार्क्स हो जाएंगे। तो आप सभी लोगों को करना क्या है, सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, एंड वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से आप सभी लोगों को प्रैक्टिस करना है पैराग्राफ्स की, 3-4 मैक्सिमम 5 पैराग्राफ्स की प्रैक्टिस करना है। आपको देखना है कि आपको आंसर ढूंढना जम रहा है कि नहीं, या फिर अगर आ रहा है बहुत अच्छी बात है, अगर आपको आंसर्स नहीं मिल रहे हैं और प्रैक्टिस डालो और अच्छे से प्रैक्टिस करो। आफ्टर दैट गाइस, सेकंड थिंग इज अंडरस्टैंडिंग पोएम्स। अब देखो, पोएम्स ना जब आप लोग समझोगे आप तभी जाके लिख के आने वाले हो। पोएम्स का सेक्शन टोटल 10 मार्क्स के लिए आएगा, इसमें से 5 मार्क्स के लिए एप्रिसिएशन आएगा। एप्रिसिएशन के लिए दोपहर के अंदर वीडियो आने वाली है, मेक श्योर आपने बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे क्लिक किया है, या फिर मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको जाके चेकआउट कर लेना है। दोपहर के अंदर एप्रिसिएशन के लिए वीडियो आने वाला है, एंड देन गाइस, एक बार आपका पैराग्राफ हो गया, पोएम्स हो गए, पोएम्स को आपने समझ लिया, आफ्टर दैट ग्रामर, जो अपनी ग्रामर की प्रैक्टिस है वो आपको एकदम अच्छे से कर लेनी है। ग्रामर प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर चाहे वो सेक्शन नंबर 1 हो, सेक्शन नंबर 2 हो, सेक्शन नंबर 3 हो, हर जगह पे ग्रामर पूछा ही जाता है, जैसे कि चेंज द वॉइस, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच, इस टाइप के टॉपिक्स आते हैं, तो आपको इन्हें एकदम अच्छे से क्लियर कर लेना है। बहुत सारे ऐसे वाइडियो चैनल्स हैं जिनसे आप ग्रामर पढ़ सकते हो, कौन से यूट्यूब चैनल्स हैं वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ, मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देख रहे हो। एंड देन गाइस, एक बार जैसे आपने पैराग्राफ्स को पढ़ लिया, पोएम्स को समझ लिया, आफ्टर दैट ग्रामर हो चुका है आप सभी लोगों का, एंड देन आता है राइटिंग स्किल्स। अब देखो, राइटिंग स्किल्स का बिल्कुल टेंशन मत लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने वन शॉट के अंदर राइटिंग स्किल्स को एक्सप्लेन कर दिया है, आपको जाके लाइव स्ट्रीम देखनी है, 2x पे लगाओ, आपका आधे घंटे के अंदर सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपको राइटिंग स्किल्स एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, एंड देखो आज के दिन के अंदर सिर्फ 4 चीजें एकदम अच्छे से कर लेना, दैट इज पैराग्राफ, पोएम्स, ग्रामर, राइटिंग स्किल। ये 4 चीजें जब आप एकदम अच्छे से कर लोगे, आपका 80% प्रिपरेशन वहीं पे हो चुका है। अब बचे हुए 20% के लिए आप सभी लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करना है, कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको उन्हें रेफर करना है ग्रामर के लिए, पोएम्स के लिए, किस टाइप के आते हैं। एंड देखो, इस बात क्या है ना, एक दिन है, एक दिन के अंदर आपको एकदम अच्छे से सारी चीजें प्रिपेयर कर लेनी है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो 4 चीजें हैं एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, आफ्टर दैट जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं इन्हें आपको एकदम अच्छे से देख लेना है, कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की भी बिल्कुल टेंशन मत लो, कल के दिन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आपको लाइव चेक कर लेना है, कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस डिफिकल्टी लेवल पे क्वेश्चंस आते हैं। एंड यस गाइस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आप लोग दिन के अंदर अभी तुरंत पैराग्राफ्स को प्रैक्टिस कर लो, आफ्टर दैट पोएम्स को प्रैक्टिस कर लेना है, एप्रिसिएशन की वीडियो दोपहर में आ जाएगी, एंड टाइम मैनेजमेंट के लिए वीडियो शाम तक आ जाएगी, आपको उसे एकदम अच्छे से फॉलो कर लेना है। एंड यस गाइस, आपको प्रैक्टिस पेपर एक बार देख लेना है, एक बार सॉल्व करके देख लेना है, बिकॉज तभी जाके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। एंड यस गाइस, आप सभी लोगों को सेम टू सेम ऐसे ही पढ़ाई करनी है, मैंने जो भी चीजें बताई खुद के एक्सपीरियंस से बताई है, एंड आप सभी लोगों को एकदम अच्छे से पढ़ाई करते रहना है, बोर्ड एग्जाम्स के अंदर अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं,